रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में कई भारतीय छात्र फंस गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। यूक्रेन में इन दिनों जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं, कभी भी वहां जंग हो सकती है। यूक्रेन में जंग जैसे बने हालातों के बीच बागपत के बड़ौत में रामबाग कॉलोनी का रहने वाला विक्रांत राज भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। विक्रांत वहाँ MBBS का कोर्स कर रहा है, लेकिन अब जंग के बीच फंसा हुआ है। इधर भारत में उनके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। विक्रांत के पिता प्रदीप शर्मा ने बताया कि उनका बेटा डेनिपरो यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं। उनकी हर रोज कई बार बेटे से व्हाट्सएप पर बातचीत हो रही है। अभी तक वहाँ पर सभी सकुशल हैं, लेकिन किस समय हालात खराब हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे बहुत पैनिक है और करीब 14,000 बच्चे जो है मेडिकल में वहाँ पढ़ रहे हैं, 4,000 करीब बच्चे इंजीनियरिंग में हैं और बेटा मेरा वहाँ पे थर्ड ईयर में है और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। बच्चे भयभीत हैं और बच्चे अब अपना टिकट करा करके वहाँ से निकल रहे हैं और आज वहाँ की एम्बेसी ने, क्योंकि एम्बेसी ने भी उनको कह दिया कि आप जो है देश छोड़ के, इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप जा सकते हैं, तो वो वहाँ से जो है वो भाग रहे हैं। तो बेटे का टिकट हो गया, कल बेटा जो है वहाँ से निकलेगा, तो सभी बच्चे अपना टिकट करा करा करके वहाँ से जो है सभी जो है निकल रहे हैं। विक्रांत के पिता ने ये भी बताया है कि हालत बेहद खराब है। हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं। विक्रांत की माँ और उनकी बहन सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील किया है कि जितने भी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत सरकार सुरक्षित भारत वापस लाए। टीवी के सामने बैठे रहते हैं, बड़ा पैनिक है घर के अंदर भी, सभी बहुत परेशान है, लेकिन भगवान जो है अच्छा करेंगे और जल्दी जो है बेटे के बस से कुछ वापसी लौटने का हम इंतजार कर रहे हैं, कल वो जो है वहाँ से चलेगा। बता दें कि भारतीय दूतावास ने भी भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बागपत के ही कई ऐसे छात्र हैं जो इन दिनों यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।